5,000 मिनिमम से लेकर के 15-20-25 हज़ार तक आराम से बचा सकता है। मैंने 10,000 कहा था, सर ने बिल्कुल 20-25 ही जम कर दिया। मतलब कमाई ही कमाई है, वो भी बिना 1 रुपया इन्वेस्ट किए। मुझे लगता है हेडलाइन चेंज करनी पड़ेगी अब, बिना 1 रुपया इन्वेस्ट किए 25,000 कमा। दोस्तों, क्या आप लोगों को घूमने भेजकर उनका मनोरंजन कर कम से कम 10,000 रुपए तक कमाना चाहते हो या उससे ज्यादा भी बिना 1 रुपया इन्वेस्ट किए? तो आज एक ऐसा नया बिजनेस आइडिया लेकर आया हूं जिसमें आप बिना 1 रुपया इन्वेस्ट किए लोगों घूमने भेजो और 10,000 रुपए कमाओ और इससे ज्यादा भी कमाओ। अब ये बिजनेस आइडिया क्या है, कैसे करना है, कैसे होगा, इस बारे में बात करने के लिए मेरे साथ जुड़ चुके हैं सचिन रायजादा जी, जो कि ट्रैवल टाइगर कंपनी के फाउंडर हैं। सचिन जी, आपका सबसे पहले बहुत स्वागत है आज चल जीनियस के इंटरव्यू में। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू गुरविंदर, आप यहाँ तक आए और हम लोग बात कर रहे हैं, तो वेरी थैंक यू। तो अब मैं सचिन जी के ऑफिस में बैठा हुआ हूँ और सबसे पहला सवाल मेरा सचिन जी ये है कि आपकी कंपनी, समझ लीजिए आपको भी लोगों को ये बताना पड़ेगा। सचिन जी, सबसे पहला मेरा सवाल यही है कि आपकी कंपनी एग्जैक्टली करती क्या है? देखिए, ट्रैवल टाइगर और जिसकी टैगलाइन ही है गो वाइल्ड पे माइल्ड। ओके, तो आप पूरा खुल के घूमिए और आप ऐसे घूमिए कि आपके पैसे भी ज़्यादा खर्च ना हो। तो हमारी कोशिश ये है कि हम अपने कस्टमर्स को, अपने क्लाइंट्स को पूरा वर्ल्ड एक्सप्लोर करने का एक ऑप्शन दें और उन लोगों को ज़्यादा खर्चा ना करना पड़े। तो हमारी कोशिश ये है कि हम ऐसे पैकेजेस डिज़ाइन करें या इस तरीके के प्रोडक्ट्स बना करके अपने कस्टमर्स को दें कि वो मार्केट में अवेलेबल बाकी जो भी ट्रैवल पैकेजेस हैं उनसे कम रेट पर वो बाकी अपनी जगह पे जहां वो जाना चाहते हैं जा पाए। सचिन जी, आप इस सेक्टर में कितने सालों से हैं? देखिए, ये सेक्टर में मुझको काफ़ी टाइम, प्रोफेशनली तो मैं नहीं कहूँगा कि हाँ बहुत टाइम हो गया, लेकिन हाँ अनऑफिशियली मैं इस सेक्टर में बहुत टाइम से हूँ और मैं जिन सेक्टर्स में जुड़ा रहा हूँ उन सेक्टर्स में इस सेक्टर मतलब ट्रैवल इंडस्ट्री को मैंने काफ़ी क्लोजली मॉनिटर किया है, काम किया है और उसी के बेसिस पे अब मैं कुछ इस तरीके के प्रोडक्ट डेवलप कर पा रहा हूँ जिससे कि कस्टमर जो हैं वो कम बजट में अच्छी से अच्छी जगह पे वो घूम सकें। ये जो आपने कहा घूम सकें, क्या आप इंडिया में भी लोगों को घूमने के लिए भेजते हैं और इसके बाहर भी क्या ट्रैवल बुकिंग्स लेते हैं इंडिया से बाहर भी? बिल्कुल, देखिए हम लोग हर तरीके की एयर टिकटिंग, डोमेस्टिक चाहे हो या इंटरनेशनल हो, आपको यहाँ से कहीं बाहर जाना है, बाहर से यहाँ आना है, आपको अगर अच्छे रेट्स पे कोई है तो हम वो प्रोवाइड करते हैं। होटल बुकिंग्स 3-star, 4-star, 5-star किसी भी तरीके का बल्क बुकिंग, होटल्स की बल्क बुकिंग, आपको कोई मैरिज पार्टी अरेंज करनी है उसके लिए आपको पूरा होटल बुक करना है, आपको 50 कमरे बुक करने हैं कहीं पे भी, इंटरनेशनली कहीं पे भी कुछ भी करना हो तो वो हम बुक करते हैं। तीसरा, हमारे जो पैकेजेस होते हैं वो रहते हैं और इसके अलावा हम लोग क्रूज़ बुक करते हैं। अच्छा। जैसे कि हाँ, जैसे क्रूज़ अभी आजकल बहुत अच्छे अच्छे ऑफर आए हुए हैं दिवाली के लिए कि आप मुंबई टू गोवा, गोवा टू मुंबई, या अभी रिसेंटली हमने एक बड़ा अच्छा पैकेज लॉन्च किया सिर्फ 35,000 रुपये में, सिंगापुर टू फुकेट, फुकेट टू सिंगापुर। अच्छा, तो सिर्फ 35,000 रुपये में सिंगापुर टू फुकेट, फुकेट टू सिंगापुर। एग्जैक्टली, ओह माय गॉड। तो इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोग करते हैं, प्लस हम लोग कॉरपोरेट इवेंट्स ऑर्गेनाइज करते हैं जिसमें कि हमने पीछे पैसा, मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन हमने बहुत सारी MNC कंपनीज के लिए कॉरपोरेट इवेंट्स कर चुके हैं जिसमें कि नंबर ऑफ पर्संस ऑलमोस्ट 1,000-2,000 तक रह चुका है। तो किसी को ऑफ साइट अगर अरेंज करानी है या फिर उनको सेमिनार करानी है या कोई भी इवेंट ऑर्गेनाइज करानी है या क्रूज़ बुक करना है अपने बच्चों की शादी के लिए, वो भी हम करते हैं। सर, अब ये बताइए, मैं क्योंकि वीडियो बने रही कि आप कैसे कमा सकते हैं, वो सवाल भी मैं पूछने वाला हूं, लेकिन उससे पहले और भी कई सवाल हैं मेरे। सचिन जी, ये जो सेक्टर था ट्रैवल एंड टूर का, ये पैंडेमिक के दौरान तो लगभग खत्म सा ही हो गया था, लेकिन उसके बाद जो है हम देख रहे हैं कि लगता है कि जो पुराना घाटा था वो मेकअप हो रहा है और लोग बहुत घूमने जा रहे हैं। तो सर, इस सेक्टर में आप क्या ग्रोथ देख पा रहे हैं? देखिए, अगर हम लोग जैसे हम इंडिया में हैं तो हम उसी से रिलेटेड बात करेंगे। इंडिया में अब इंडिया का गोल्डन पीरियड जो है इकोनॉमी वाइज वो अब आ रहा है, वो शुरुआत में है, हम लोग शुरुआत के स्टेज में बैठे हुए हैं जहाँ पे कि हमारा डेवलपमेंट बहुत स्पीड से होने जाता है।
तो वो डेवलपमेंट का बेस क्या है, डेवलप किसी भी इकोनॉमी के डेवलपमेंट का बेस जो है वो फंड्स या पैसे या हमारे इनकम ही होता है। सही। तो हमारे जो लोग हैं उनकी पढ़ाई का लेवल बढ़ गया, उसी हिसाब से उनकी जॉब्स का लेवल बढ़ गया। हमारी गवर्नमेंट जो है हम लोग को इतना सिक्योर्ड बना रही है कि बड़ी कंपनीज बड़ा इन्वेस्टमेंट करने से अब इंडिया में नहीं हिचकती, क्योंकि उन्हें मालूम है कि उनका इन्वेस्टमेंट यहाँ सेफ रहेगा। तो वो लोग अपने डेटा सेंटर्स यहाँ ला रहे हैं, बड़े बड़े सॉफ्टवेयर के सेंटर्स यहाँ सेटअप हो रहे हैं। तो जो लोग हैं, जो बच्चे पढ़ के निकल रहे हैं, उनकी इनकम बढ़ती चली जा रही है, और इस बढ़ती हुई इनकम के साथ साथ फिर उनकी एक्सपेक्टेशन भी बढ़ जाती है। तो अभी आप देखेंगे, अगर पिछले 15-20 साल पहले का एक ट्रैवल सेक्टर का एस्पेक्ट देखेंगे, तो आप देखेंगे कि जनरली लोग छोटे छोटे हिल स्टेशन पे जाना पसंद करते थे। बिल्कुल। कि भाई यहाँ शिमला चले गए, मसूरी चले गए, नैनीताल चले गए। लेकिन अब जो है ट्रेंड शिफ्ट हुआ है, और गवर्नमेंट भी इस चीज को सपोर्ट कर रही है कि आप बाहर जाइए। तो इस तरीके से एक तो इनकम बढ़ने की वजह से, दूसरा टेक्नोलॉजी ने बहुत चेंजेस लिया है। पहले हर चीज़ हिडन थी, अब हर चीज़ ओपन है। क्लाइंट को जाने से पहले मालूम है कि जिस होटल में मुझे मेरा ट्रैवल एजेंट बुक करके दे रहा है, क्या वो उसके सही पैसे ले भी रहा है कि नहीं ले रहा है। क्यों? क्योंकि उसको मेक माई ट्रिप या किसी भी इस तरीके की यात्रा है, या और भी बहुत सारी वेबसाइट्स है, सब पे रेट हर समय अवेलेबल है। तो उसको एक आइडिया लग जाता है कि भाई मैं पैसे सही दे रहा हूँ कि नहीं दे रहा हूँ। अगर मैं उससे कम में दे पा रहा हूँ तो मुझे ट्रैवल जो मेरा सही है वो कंपैरिजन कर लेता है, हो जाता है। तो इस तरीके से मेरे हिसाब से आने वाले टाइम में इसका स्कोप बहुत ज़्यादा है, और ये बढ़ना ही बढ़ना है, इसमें पीछे हटना नहीं है। अब जैसे अगर पैंडेमिक जैसी कोई और सिचुएशन भी क्रिएट होती है तो थोड़ा टेम्परेरी होगा, वो तो हर एक के साथ ही होता है, लेकिन ये फिर वैसे ही ग्रोथ करने लग जाएगा। अब मेरा एक सवाल आपसे ये भी है सर कि आप किस किस कंट्रीज में अभी काम कर रहे हैं? सर देखिए, हम लोग सारे कंट्रीज़ में काम कर रहे हैं जहाँ पे घूमने के लिए सिक्योर है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, हम उन कंट्रीज़ में काम कर रहे हैं जो घूमने के लिए सिक्योर है। इंटरनेशनल टूरिज्म में डायनेमिक्स चेंज होती रहती है। कुछ टाइम पहले तक कोई कंट्री अगर सेफ था, वो हो सकता है अब वहाँ के इंटरनल प्रॉब्लम्स की वजह से अब सेफ नहीं रह गया हो। तो हम उन सारे कंट्रीज़ में काम कर रहे हैं जहाँ जो घूमने के लिए सेफ है, और ज़रूरी नहीं है कि हर कंट्री में हम आपको उतना बजटेड पैकेज दे पाएँ। तो जहाँ पे अवेलेबल होता है वो हम आपको ऑफर दे देते हैं। सर अब मेरा सवाल है, और बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल ये है कि अब आपसे कोई अगर जुड़ना चाहता है, जैसा मैंने वीडियो की टैगलाइन कहा, और हमारे चैनल का भी गोल यही है कि हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार प्रोवाइड करें, उनको एम्प्लॉयमेंट दें, और ख़ासकर उन लोगों को जो पैसिव इनकम करना चाहते हैं, जॉब्स में हैं, हाउसवाइफ हैं, स्टूडेंट्स हैं, या फिर जो पार्ट टाइम काम करना चाहते हैं, कि आपके साथ जुड़ के लोग कैसे पैसा कमा सकते हैं, वो भी बिना एक रुपया इन्वेस्ट किए, और आपके बिजनेस में कैसे शामिल हो सकते हैं, और एग्जैक्टली उनको क्या करना है वो हमें बताइए। हमारा एक नया कॉन्सेप्ट है जिसे हम ट्रैवल टाइगर क्लब कह रहे हैं, और क्लब नहीं है, मतलब नाम उसको ट्रैवल टाइगर क्लब दिया है, लेकिन कॉन्सेप्ट इज़ न्यू। और उसमें हम यूनिट मैनेजर्स, या आप उसको कह लीजिए एफिलिएट या यूनिट मैनेजर, हम उसको यूनिट मैनेजर बोलते हैं, यूनिट मैनेजर्स को अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये यूनिट मैनेजर्स बगैर कुछ खर्चा किए हुए हमारे साथ जुड़ सकते हैं, और अपने नीचे मेंबर्स को ऐड कर सकते हैं। जितने मेंबर्स वो ऐड करेंगे, और इसमें हाँ, इसमें मैं आपको बता दूं कि मेंबर को ऐड करते ही मेंबर का बेनिफिट ये है कि जॉइनिंग फीस का डबल अमाउंट का तो सीधे उसको डिस्काउंट मिल जाएगा पैकेज में। जैसे कि अगर किसी ने मेंबर ने ज्वाइन किया, 1,000 रुपये ज्वाइनिंग फीस है, तो 2,000 का डिस्काउंट तो उसका फौरन अवेलेबल हो गया। तो ये मेंबर का इनिशियल है, क्योंकि मेंबर का ज्वाइनिंग होना बड़ा ज़रूरी है, और उसको 2,000 का मतलब 1,000 रुपये अगर वो इन्वेस्ट करेगा तो 2,000 का तो उसका डिस्काउंट फौरन उसको अवेलेबल हो गया। फॉर एग्जांपल जो एफिलिएट्स हैं उसको इसमें से भी शेयरिंग है, जो कि एफिलिएट का भी मेरे साथ जो बात होगी मैं उनको उसमें एक्सप्लेन करता जाऊँगा, क्योंकि डिटेल्स बहुत सारे हैं। और एफिलिएट्स को ये समझाने के लिए कि कितना इसमें इनकम का पोटेंशियल है, वो एक एग्जांपल दे रहा हूँ। अगर एक फैमिली के 4-5 लोग बाहर कहीं घूमने जाते हैं 5-6 दिन के ट्रिप पे, 5 नाइट 6 डेज के ट्रिप पे, तो ऑलमोस्ट पैकेज का साइज़ जो है 4-5 लाख के रुपए के बीच में बनता है। बिल्कुल, इतना तो मिनिमम है कि हाँ, जिसमें कि उसके टिकट्स भी, एयर टिकट भी होते हैं, उसका 5-6 दिन का रहना, खाना पीना, घूमना, सभी कुछ इंक्लूड होता है। तो इस पर लगभग
एक एफिलिएट 5,000 मिनिमम से लेकर के 15,000-25,000 तक आराम से बचा सकता है। मैंने 10,000 कहा था, सर ने बिल्कुल 20-25 ही जंप कर दिया, मतलब कमाई ही कमाई है, वो भी बिना एक रुपए इन्वेस्ट किए। मुझे लगता है हेडलाइन चेंज करनी पड़ेगी अब, बिना एक रुपए इन्वेस्ट किए 25,000 कमाओ 10,000 तो सर ये तो मतलब बहुत ही भयंकर आइडिया है कि लोगों को घूमने भी भेजो, उनको खुश भी करो और सारी हेडी कंपनी लेगी भाई क्या ट्रिप में से ये करना है, कहां जाना, आपको सिर्फ कनेक्ट देना है उन लोगों का जो घूमने जाना चाहते हैं। और अगर फॉरेन ट्रिप से कनेक्ट देते हैं और जितना हाई टिकट क्लाइंट आता है उतना हाई टिकट पैसा भी तो आपकी जेब में आता है गुरु, ये बात मत भूलो। इसलिए ढूंढो ऐसे लोगों को, जाओ और ढूंढो सर, यही तो करना है सिर्फ। बिल्कुल सर, बिल्कुल यही करना है, बिल्कुल यही करना है, कनेक्ट कराना है, बाकी उसके बाद से लेकर के सारी जिम्मेदारी हमारी है, सारी जिम्मेदारी सिर्फ कनेक्ट कर रही है उन लोगों से जो घूमना जाना चाहते हैं। और ये वीडियो मैं फिर से कहूंगा उन लोगों के लिए जो हाउसवाइफ्स हैं, बिजनेस में हैं या स्टूडेंट्स हैं, जॉब्स में भी हैं और पार्ट टाइम अच्छा खासा पैसा कमाना चाहते हो, हमारे चैनल नहीं ये आंदोलन है भाई बेरोजगारी के खिलाफ, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। सर आप कुछ और कहना चाहेंगे कि कैसे लोग आपके साथ और पैकेजेस लेकर आए जुड़े? गुरविंदर जी ने अभी बड़ी एक अच्छी चीज कही जो मुझे अभी स्ट्राइक करी है। गुरविंदर जी ने कहा कि हाउसवाइफ्स के लिए घर बैठे कमाना का सबसे अच्छा तरीका है, आपके पास फेसबुक पे आपके कनेक्ट है, आप मेरे साथ जुड़िए, मैं आपको फ्लायर्स भेजूंगा, फ्लायर्स व्हाट्सएप पे आपको आएंगे जिसमें पैकेज के डिटेल्स होंगे, आपको उन फ्लायर्स को सिर्फ अपने ग्रुप में शेयर करना है, आप मुझे बता दीजिए, उस फ्लायर में मैं आपका नाम, आपका फ़ोन नंबर, आपकी ईमेल आईडी डाल दूंगा, आप अपने ग्रुप में डाल दीजिए, आपके ग्रुप में कोई इंटरेस्टेड होगा तो वो आपको सीधे अप्रोच करेगा, आप मुझे उससे कनेक्ट करा दीजिए। तो बल्ले बल्ले आइडिया दिया सर आपने, ये तो बल्ले बल्ले आइडिया भाई, किसी के पास भी तो 2,000 कॉन्टैक्ट तो किसी के मोबाइल में भी है मिनिमम, बिल्कुल मिनिमम है 2,000, खंगालने बैठोगे अपना मोबाइल भी ना। और जो लोगों के व्हाट्सएप ग्रुप, जो बिजनेस ग्रुप्स में हो, फैमिली ग्रुप्स में हो और अपने शहर के ग्रुप्स में हो, ये मिला 2,000 से ज्यादा संख्या, सिर्फ कॉन्टैक्ट ही 2,000 होंगे। ऊपर तो अगर आप ग्रुप्स की बात करोगे, एक ग्रुप में 500 लोग हैं तो 250 लोग तो मिनिमम में भी हैं, तो अगर 5 ग्रुप्स में भी आप हो तो आपके पास 1,000-1,200 का डाटा तो और अलग से पड़ा हुआ है। इतनी बड़ी मार्केट है सर, जाओ लोगों को शेयर करो। और अगर कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहते हो, सर से संबंधना चाहते हो सचिन जी से, मेरा नंबर स्क्रीन पे दिया गया, मुझे कॉल करो, मैं सचिन जी से आपको कनेक्ट करवाता हूं और सारी डिटेल्स आपको पता चलेंगी और सचिन जी आपको पूरा कॉपरेट करेंगे, पूरे गाइड में है ताकि आप सिर्फ कनेक्ट कराओ और पैसा कमाओ, यही तो चैनल का लक्ष्य है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करो ताकि लोगों का भला हो सके, लोग कुछ पैसे कमा सके, क्योंकि हम चैनल नहीं बेरोजगारी के खिलाफ आंदोलन लेकर आए हैं। बिल्कुल सर। हाँ तो सर, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो और ऐसे ही वीडियोस के लिए जो कहा है वही करो। मिलेंगे एक और वीडियो में। थैंक यू सर। थैंक यू।